हे गाइस, आई एम साक्षी गोस्वामी। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं गाइस आप लोग? आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ ऑफ IBPS क्लर्क की बताना चाहती हूँ। गाइस, मेरे अकॉर्डिंग मैंने जब थोड़ा एनालाइज किया तो ये देखा, और इसका पेपर इस बार IBPS क्लर्क का आप लोग दे चुके हैं, इसलिए आप लोग को आइडिया होगा कि क्वांट का पेपर इस बार मॉडरेट लेवल का गया था, इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, जिसमें कैंडिडेट से आराम से 25 to 28 अटेम्प्ट हो गए थे। और मैं एवरेज कैंडिडेट्स की बात कर रही हूँ, अगर मैं और बात करूँ तो 35 तक भी लोगों के अटेम्प्ट्स हुए हैं। ओके, अब रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग इस बार लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ऑफकोर्स टफ थी, क्योंकि 10 to 15 मार्क्स एवरेज स्कोर देखा जा रहा था। किसी किसी के उससे ज़्यादा हुए हैं, अलग बात है, बट 10 to 15 मार्क्स का एवरेज स्कोर देखा गया। फिर आ गई इंग्लिश की बात, तो इंग्लिश भी मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल बोल सकते हैं लास्ट ईयर के कंपेरिजन में। ओके, और रही बात जीए की, तो जीए भी मॉडरेट लेवल का था, डुएबल था, लेकिन उतना ईजी अटेम्प्ट फिर भी इसमें नहीं देखे गए। ओके, तो इस सब के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो 5 to 7 मार्क्स पिछले साल के कंपैरिजन में कम देखे जा रहे हैं। तो इसके हिसाब से हमारा कट ऑफ जो है वो लो जाना चाहिए था, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि पिछली बार की वैकेंसी और इस बार की वैकेंसी में थोड़ा सा हम लोग डिफरेंस देख रहे हैं। पिछली बार वैकेंसी का क्या था कि वैकेंसी इंक्रीज हो गई थी, आई जिस समय था, जिस समय वैकेंसी आई थी उस टाइम पे आई थी इतनी वैकेंसी। ओके, उसके बाद इंक्रीज होके हुई थी 18,519 वैकेंसी प्लस हुई थी। और ये वैकेंसीज मजाक बात नहीं होती है गाइज, इतनी वैकेंसी अगर आपकी प्लस हुई थी तो आपकी कट ऑफ नॉर्मल सी बात है कि आप लोग लास्ट ईयर की कट ऑफ गूगल कर सकते हैं कि कितनी गई थी, आप लोगों को आइडिया लगेगा इस बार की कट ऑफ का। मैं अपने ओपिनियन से कुछ कट ऑफ निकाली है, तो मैं आपको वो कट ऑफ बताना चाहती हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को आई थिंक दिख रहा होगा, मैं सारे स्टेट्स की बात कर लेती हूँ, क्योंकि क्या है कि वैकेंसी इंक्रीज हुई है अभी भी, और इंक्रीज होके 5500 के अराउंड हो चुकी है, और अभी इंक्रीज होने के और चांसेस हैं। तो हम कह सकते हैं कि 7000 प्लस वैकेंसी देखने को मिल सकती हैं, बट लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ये वैकेंसीज फिर भी कम है, इसलिए ये वाले मार्क्स और इसका हम लोग अगर इक्वल करें तो ज़्यादा लो कट ऑफ की हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं। और मैंने ये कट ऑफ जो निकाले हैं एक सेफ साइड रख के निकाले हैं गाइस, तो इसको आप थोड़ा समझिएगा। हो सकता है मेरे ओपिनियन से है ये, तो हो सकता है यहाँ तक चली भी जाए, हो सकता है कम भी जाए, हो सकता है ज़्यादा भी हो जाए, लेकिन ठीक है, एक अंदाजे से मैं आपको बता रही हूँ, थोड़ा एनालिसिस के साथ करा है मैंने ये कट ऑफ निकाले हैं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखें और इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, जिससे आप लोगों को आगे भी ऐसे वीडियोज़ देखने को मिले। ओके गाइस, मैं बताती हूँ यूपी का कट ऑफ। यूपी में भी वैकेंसी इंक्रीज हुई है कुछ, तो कट ऑफ मैंने जो निकाला है वो 44.5 to 46 निकाला है। बिहार में 44.5 to 46.5 तक निकाला है। दिल्ली में 49 to 51, गुजरात में 43 to 45, गोवा में 35 to 37, बिकॉज लास्ट ईयर भी कट ऑफ यहाँ का इसी के अराउंड था। ओके, तो मैंने उसके लमसम निकाला है क्योंकि वैकेंसीज मैंने देखी। और मध्य प्रदेश की बात करें तो 45 to 46, छत्तीसगढ़ की बात करें 44 to 45.5, ओडिशा की बात करें 46 to 48, तमिलनाडु 46.5 to 48, राजस्थान 48-49, हरियाणा 48 to 49.5, ओके, आंध्र प्रदेश 46 to 47, तेलंगाना 43 to 45, कर्नाटका 40 to 42, केरला 49 to 50। फिर हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश में 47 to 49, जम्मू कश्मीर में ज़्यादा जाने के चांसेस हैं गाइस, इस चक्कर में मैं 50 तक आ चुकी हूँ। देखिए, क्योंकि ये मैंने एनालिसिस के थ्रू निकाला है जैसा मैंने आपसे बोला, तो आप कमेंट्स में ये ना बोले कि आपने जम्मू कश्मीर का इतना बताया है ये वो, आप देखिएगा कि क्या रहता है, रिजल्ट आ ही जाएगा आपका परसों, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में 50 to 51.5, मैं यही उम्मीद करूंगी गाइस कि जितने आप लोगों ने मेहनत करके किया है आप लोगों का सिलेक्शन हो, बस ये मेरे ओपिनियन के हिसाब से ये कट ऑफ्स है। महाराष्ट्र का देखते हैं 43 to 44.5, झारखंड का 43 to 44, असम का 36 to 38, वेस्ट बंगाल 40
243, पंजाब 48.8 to 49.5, चंडीगढ़ 49.5 to 51 एंड उत्तराखंड 50 to 51। अब रही बात उत्तराखंड की भी, तो उसमें भी लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल वैकेंसी कम हुई है, इस वजह से मैंने आप लोग का ये कट ऑफ रखा है। ओके गाइज, अब बात करते हैं असम और वेस्ट बंगाल की। यहाँ पर कट ऑफ लास्ट ईयर के कंपैरिजन में काफ़ी लो जा सकता है बिकॉज ऑफ वैकेंसीज। वैकेंसी काफ़ी इंक्रीज हुई है असम एंड वेस्ट बंगाल में, जबकि मैंने अपने अकॉर्डिंग ये कट ऑफ, सारे ही कट ऑफ मैंने अपने अकॉर्डिंग थोड़े से हाई रखे हैं, और इसका भी हो सकता है इससे लो कट ऑफ चला जाए, हो सकता है किसी स्टेट का इससे ज़्यादा कट ऑफ चला जाए गाइज। तो आप लोग ये मत बोलिएगा कि आपने ऐसे बताया, मैं जैसे आप लोगों से बोल रही हूँ कि मेरे ओपिनियन के हिसाब से ये कट ऑफ्स है। ओके गाइज, ठीक है, मैं आप लोगों को बेस्ट विशेस ही दे सकती हूँ इस टाइम पे, और आप लोग अपना अपना रिजल्ट शेयर कीजिएगा रिजल्ट आने के बाद। ओके गाइज, ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट, थैंक यू गाइज।